गौरवशाली क्षण है और हम सबके लिए बहुत ही फक्र की बात है कि हमारे बीच में एशियन गेम्स में 4 पदक प्राप्त करके पूरी इवेंट में ऐसे खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं जिन्होंने हाईएस्ट मेडल्स प्राप्त किए हैं। तो ऐश्वर्य जी के लिए ढेर सारी बधाई, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। ऐसे ही न केवल खरगोन का बल्कि अपने देश का मान बढ़ाते रहे। आज उन्होंने जो मुकाम खेल के क्षेत्र में हासिल किया है वो अद्भुत है। ये खरगोन जिले के लिए बड़ी उपलब्धि है। एक छोटे से गांव से आकर के ऐश्वर्य प्रताप ने अपना नाम सार्थक किया है, उनके द्वारा अनेक मेडल जीते हुए हैं। बाकी में ये खरगोन ही नहीं, हमारे प्रदेश को और देश को गौरवान्वित वाला क्षण है। आज गोकुल पब्लिक स्कूल की तरफ से जो कार्यक्रम रखा, मुझे आने का सौभाग्य मिला। मेरी ओर से ऐश्वर्य प्रताप को बहुत बधाई शुभकामनाएं हैं। उन्होंने ऐश्वर्य को इस मुकाम तक आगे बढ़ाया हुआ है, तो स्कूल प्रबंधन भी इसके लिए बधाई का पात्र है। शुभकामनाएं बहुत बहुत। आज आपका यहाँ सम्मान किया गया, कैसा लग रहा है? सर काफ़ी खुशी हो रही है, जैसे कि कलेक्टर सर और एसपी सर यहाँ पे आए थे, जिनकी जो मतलब मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है कि वो लोग आए मेरे मतलब इस फंक्शन में। और जैसे जीपीएस स्कूल और मैनेजमेंट में जिनने मुझे यहाँ पे अटेंड किया, जिन्होंने मेरा पूरा स्वागत किया, तो काफ़ी खुशी हो रही सर ये सब देख के। किस प्रकार की उपलब्धि रही वहाँ पर? सर काफ़ी बड़ा गेम्स था और मेरे लिए भी काफ़ी बड़ा ये कॉम्पिटिशन रहा है, और जैसे कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा वहाँ पर। और जैसे मैंने 4 मेडल जीते हैं और 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, तो सर काफ़ी काफ़ी अच्छा रहा है। सबसे ज़्यादा फर्स्ट चुनौती आपको किससे मिली? सबसे ज़्यादा चुनौती किससे रही, मतलब किस प्रकार से? सर जैसे शूटिंग गेम एक इंडिविजुअल गेम है, तो हमारी जो चुनौती है वो हमारे खुद से ही है। अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम ऐसे ही ऊपर आ जाएंगे, हमें किसी को हराने की ज़रूरत नहीं। तो बस मेरा ध्यान पूरा बस खुद पर ही था, और मैं ये था कि मैं अपना पर्सनल बेस्ट दूँ और देश के लिए मेडल दूँ। खरगोन छोटे से गाँव से आप और इस प्रकार से उपलब्धियाँ कैसे मानते हो, किस तरीके से प्रेरणा रही? सर मैं जैसे खरगोन जिले के रतनपुर गांव का रहने वाला हूं और वहीं से मैं निकला हूं। और मैंने स्टार्टिंग शूटिंग मैंने 2015 में करी शुरू, जिसमें मेरे जो ब्रदर है नवदीप सिंह राठौर, उनका सबसे बड़ा हाथ रहा है, जो कि खुद भी एक इंटरनेशनल शूटर रहे हैं, और उन्होंने ही मेरी जर्नी स्टार्ट करी और उन्हीं के सपोर्ट की वजह से आज यहाँ तक पहुँचे। अगला लक्ष्य ये सर कि 2024 के ओलंपिक में देश को मेडल जिताएं। सब खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स, और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।